जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मोटोरोला ने अपना एक बजट फोन लॉन्च किया है जिसका मॉडल है मोटोरोला G13। यह फोन आपको 10,000 रुपए के अंदर मिल जाता है और इस वीडियो में हम इस फोन के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि आखिर मोटोरोला ने 10,000 रुपए के अंदर क्या क्या पैक करके इसमें दिया है और यह फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं, या फिर इसके अलावा भी कोई अदर ऑप्शन है। इन सभी कंफ्यूजन का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं टेक आदमी चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का आप डिजाइन देख सकते हैं, ऐसा लगता है नहीं है कि ये 10,000 रुपए का अंदर का फोन है। बैक पैनल प्लास्टिक के थ्रू डिजाइन किया गया, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और फ्रंट में पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, पांडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी बटन और पोर्ट्स की बात करें तो नीचे साइड में माइक मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और दोस्तों इसमें स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। ऊपर साइड में 3.5mm का जैक है। नॉइस कैंसलिंग माइक इसमें नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट भी इसमें नहीं है। राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है विद पावर की, वॉल्यूम अप डाउन की है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है जिसमें 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रैम और स्टोरेज की बात करें तो LPDDR4X रैम टाइप मिल जाता है, EMMC स्टोरेज टाइप मिल जाता है और इसमें एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज। इसका प्राइस है 9,999 रुपए यानी 10,000 रुपए। अब दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, 90Hz रिफ्रेश रेट है और 560Hz टच सैंपलिंग रेट है। रेजोल्यूशन है 1600x720 HD+। ब्राइटनेस कंफर्म नहीं है लेकिन 500 nits तक होगा। इसमें फुल HD तक वीडियो प्ले कर सकते हैं यानी 1080p। दोस्तों कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरे का सेटअप है। 50 MP का मेन कैमरा है जिसका अपर्चर 1.8 है, 2 MP का माइक्रो कैमरा है और 2 MP का डेप्थ कैमरा है और फ्रंट साइड में 8 MP का कैमरा है जिसका अपर्चर 2.0 है। बाकी रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। UI सिस्टम की बात करें तो MyUX UI है, एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है और 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाता है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर मिल जाता है जिसमें अंतुतु स्कोर 212,000 तक है। नॉर्मल गेमिंग प्ले इसमें कर सकते हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल 4G का सपोर्ट है, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 4.2 है। बाकी 5000mAh की बैटरी है, 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर है, Type-A to Type-C डाटा केबल मिल जाता है और हाँ दोस्तों वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP52 की रेटिंग भी इसमें दी गई है। दोस्तों आपको यह फोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से यह फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक और फोन है मोटोरोला का, ये है मोटोरोला G31, लेकिन ये 1.5 साल पहले ही लॉन्च हो चुका था। तो इसमें आपको एंड्रॉइड पुराना ही वर्जन मिलेगा लेकिन इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और 20 वाट चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है। तो आप इन दोनों फोन में से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं आपके हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे। मेरे हिसाब से तो अभी जो लॉन्च हुआ है मोटोरोला G13 ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हाँ एक और बेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।